अंजना चौरसिया कौन है, थोड़ा डीसी उपायुक्त पलामू बताएं, हम बताएंगे, हम बताएंगे। और उनका ससुराल का मामला है, ससुराल का मामला है, थोड़ा ससुराल ससुराल में बहुत खातिर हुआ, उसी का ऋण ऊपर चुकाने में लगे हुए। अब चलिए समय हम बताएंगे, अभी एक ही दिन में कह या चीजों को आने दीजिए। और पूजा सिंघल झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से भी भ्रष्टाचार करने में नहीं चुकी, एक सरकारी पदाधिकारी अपनी पत्नी के नाम पर, और वो भी झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में कार्यरत, वो भी डाल्टनगंज का प्रोजेक्ट अफसर, और वो बालू का, मैं सीधा आरोप लगाता हूं। मुख्यमंत्री ने स्वयं लीज लेने का काम किया, उनके भाई ने लीज लेने का काम किया, उनके सलाहकार ने लेने का काम किया, उनके विधायक प्रतिनिधि लेने का काम किया। अब तो हद हो गई कि मुझे जो जानकारी मिली है, पलामू के डीसी उपायुक्त महोदय मानवर शशि रंजन के अपने करीबी ने पलामू में खान लेने का काम किया, खान लेने का काम में से जय विंध्यावसनी स्टोन, मेरे पास सारे कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, और विंध्यावसनी स्टोन में से जय मां विंध्यावसनी स्टोन के दो डायरेक्टर हैं, रणधीर पाठक और दूसरा है अंजना चौरसिया। कौन है अंजना चौरसिया और उनका पता भी बक्सर है, बक्सर, बक्सर बिहार का बक्सर। और वो पलामू जिले के मौजा शाहपुर थाना नौडीहा बजार, थाना संख्या 380, खाता संख्या 72, प्लॉट संख्या 295, 297 और 299, 300, 302, 304 और 306, कुल रकबा 4.17 एकड़ में पत्थर खनन, खनन क्रशर प्लांट, स्टोन चिप्स एवं डस्ट के लिए लीज आवंटित की गई। और दूसरा भी उनको भी मैसेज प्राइम स्टोन, इन दोनों के लीज में उपायुक्त की भूमिका संदिग्ध है, संदिग्ध। उपायुक्त तो महोदय इकरारनामा करते हैं और इकरारनामा एग्रीमेंट किसी भी लीज का, माइनर मिनरल्स का लीज डीसी करता है, उपायुक्त के द्वारा होता है। इसलिए उपायुक्त महोदय आप इन संबंधों को आप आज खंडन करें, नहीं तो मैं भारतीय जनता पार्टी इन विषयों को लेकर के आगे बढ़ेगा। भ्रष्टाचार की चरम सीमा, और ये स्वाभाविक है क्योंकि जहां मुख्यमंत्री अपने नाम पर स्टोन का लीज लेगा तो पदाधिकारी क्या करेंगे, पदाधिकारी भी दोनों हाथ से लूटने का काम कर रहे, जो गलत अफसर है उस पर नकेल कसने का अब वक्त आ गया है। क्लीन झारखंड, करप्शन फ्री झारखंड बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। इसलिए चाहे राजनेता हो चाहे अफसर, अगर भ्रष्टाचार करने में अगर थोड़ा भी वो भ्रष्टाचारी का हमारे पास मामले आएंगे तो मैं उनको उजागर करने के लिए हम लोग संकल्पित हूं। और तो और एक मामला और है, झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की चेयरमैन कौन थी, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन, पूजा सिंघल। और पूजा सिंघल झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से भी भ्रष्टाचार करने में नहीं चुकी, एक उनके नुमाइंदे हैं अशोक कुमार, अशोक कुमार,
वो आपने किया, उनके नुमाइंदे हैं जो अनुबंध पर वहां पर कार्यरत है, अनुबंध पर। और तो हद हो गई, वो प्रोजेक्ट अफसर पलामू के थे, गढ़वा का बालू सप्लाई करते थे और प्रोजेक्ट अफसर पलामू में थे और उन्होंने भी स्टोन चिप्स का एक स्टोन का माइनिंग लीज लेने का काम किया। वाह रे सरकार, कैसी सरकार। चिनिया प्रखंड में 8.47 एकड़ खान का जमीन आवंटित किए चिनिया में, एक सरकारी पदाधिकारी अपनी पत्नी के नाम पर, और वो भी झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में कार्यरत, वो भी डाल्टनगंज का प्रोजेक्ट अफसर और वो बालू का। मैं सीधा आरोप लगाता हूं कि बालू में तेल निकालने वाला पदाधिकारी था। इसलिए पूरी तरह से इस मामले में जांच, और भारत सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं उस अशोक कुमार से भी पूछताछ करे, क्योंकि उनके मां, उनका सीधा संबंध मैडम से जो आजकल जेल में, अशोक कुमार से भी पूछे। और कई ऐसे डीएमओ अभी और बचे हुए हैं जो संदिग्ध हैं, पैसा लेकर के आते थे और कहां पहुंचाते थे, ये बातें भी खुलनी चाहिए। दुर्भाग्य इस झारखंड का, इस प्रकार की सरकार जो भ्रष्टाचार पर आधारित भ्रष्ट पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाने का काम करती है, और इन्हीं भ्रष्ट पदाधिकारियों के द्वारा उनके संरक्षण में नागरिक सुविधाओं का अभाव हो रहा है, नागरिकों के साथ जिस प्रकार का हम कह सकते हैं बिजली हो, और अब तो हद हो गई, इन्हीं पदाधिकारी जो सीधा भारत सरकार की योजनाओं को जमीन पर नहीं उतारने का काम कर रहे हैं। मैं एक ड्रीम प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, और वो है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी में भी भ्रष्टाचार की बदबू है, और झारखंड की सरकार जहां पर नगर विकास विभाग में कई भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आ रहे हैं, और नगर विकास के सचिव के माध्यम से जनता पर और कहर ढाने का काम राज्य की सरकार ने किया, और होल्डिंग टैक्स 10% से लेकर 20% बढ़ाने का काम किया। एक तरफ सारे पदाधिकारी झारखंड की जनता के पसीने की कमाई को लूटने में लगे हुए हैं, तो आम गरीब जो होल्डिंग टैक्स देता है उस पर कहर ढाने का काम कर रही है सरकार। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम सारे मुद्दों को लेकर के सड़क में और जन आंदोलन बनाने का काम करेंगे, जनता को सहभागी बनाएंगे और जनता के बीच में जनसंपर्क अभियान के माध्यम से हम सारे विषयों को, भ्रष्टाचार से लेकर के विकास से लेकर के जिस प्रकार से होल्डिंग टैक्स का बढ़ावा हुआ है, बढ़ा है, और जिस प्रकार से नागरिक सुविधाओं से झारखंड को वंचित किया जा रहा है, उन सारे विषयों को लेकर के हम सड़क पर उतरेंगे। आज मेरी ओर से इतनी बात थी, आपसे अगर कोई मन में प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अंजना चौरसिया कौन है, थोड़ा डीसी उपायुक्त पलामू बताएं, हम बताएंगे। और उनका ससुराल का मामला है, थोड़ा ससुराल में बहुत खातिर हुआ, उसी का ऋण उपार चुकाने में लगे हुए। अब चलिए समय हम बताएंगे, अभी एक ही दिन में क्या यार चीजों को आने दीजिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।